करवाने की बात करें, धारण किया हुआ है भगवा, ये उनका है, उनकी काली टोपी है भाई, वे मने कर रहे कि काली टोपी हमारी नहीं है अभी तक। आप ना ना, भगवा तो भगवा हमारा है, भगवा किसका, भगवा है समाज का। स्वामी दयानंद भी बीजेपी का मेंबर था क्या? उनकी काली टोपी है, वे इसके चक्कर में ना, भगवान का ही नहीं, उनकी काली टोपी है, काली टोपी ओढ़ है अपनी में, दिखावा के लिए भगवान। हाँ, दिखावा के लिए करें, वे बहकाने का काम करें, भगवा तो समाज का है। बागेश्वर धाम के बारे में आपने सुना होगा? हाँ, पीठाधीश्वर हैं वो, हाँ हाँ है, उनको तो उसकी वो CBI का चीफ बना दो उनको, इनकी जरूरत ही नहीं की तनख्वाह। उनके भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, कट्टा लहराते हुए एक शादी। अरे उनका कुछ नहीं बिगड़ देगा, ये 2023 में ये काम चलेंगे, 2023 जो है वो धार्मिक को रहेगा, उसमें लड़ाई झगड़े करो, धार्मिक को उसको बढ़ाओ। ये देश तो कृषि और ऋषियों का देश है, इसमें कृषि के साथ में छेड़खानी होगी तो आंदोलन होंगे, और धार्मिक उसमें होगा तो आंदोलन होंगे। आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं जी? आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष, आप बता दो आप होगा। ये कैमरा जो है ना, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, जो नागपुर के क्वेश्चन आ रहे हैं 2024 के बाद में, इनकी पॉलिसी है कि कलम के हाथ में कमल देना, और जब कलम कमल को थाम लेगी तो देश में क्रांति नहीं आने की। कमल तो भाई मखमली गद्दू पर चलने वाले हुए हैं, और कलम जिसके हाथ में रहेगी उसका पथ जो है वो कटिल्ला होगा। हाल ही में आप यूपी का बजट पेश हुआ और आपने इस पर सवाल खड़े किए, किस प्रकार उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। 5 साल के लिए बिजली फ्री देने की बात करी थी, 1 साल के लिए फ्री थी, जैसे अनाज को फ्री दे रहे हैं 1 साल के लिए, जैसे 15 लाख रुपया देने की सबको बात करी, और आज 5 किलो अनाज पर ले आई सरकार। ये देश के सब संसाधनों को बेच रही है, देश को गरीब करने की पॉलिसी है। देश की जनता आपस में लड़े, वो चाहे धर्मवाद पर लड़े, जातिवाद पर लड़े, भाषावाद पर लड़े, ये झगड़े आपस में बढ़ेंगे। आपके साथ देश के किसान हैं, इतनी बड़ी ताकत आपके पास है 2024 में? ना, हम दूर रहेंगे इससे, बीमारी से दूर रहेंगे हम। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है तो आवारा मवेशी है। आवारा मवेशी है बड़ी समस्या है, इसको लेकर आपके द्वारा ये समाधान नहीं कर रहेगा ना, जो बीजेपी सरकार है इसका समाधान नहीं करे, क्योंकि ये फसल नष्ट होगी तो इनके व्यापारी जब भी तो बाहर से अनाज मंगवाएंगे। इनको देश की जनता से, आम लोगों से कोई लगाव नहीं है, ये देश की जनता। कई दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखो, पूरे देश में MSP गारंटी कानून के लिए आंदोलन होंगे, ये पंचायत भी उसी लिए है के लोग उसकी तैयारी करें, और MSP से कम पे खरीद ना हो इसके लिए देश में कानून बने, भारत सरकार कानून बनाएगी। लेकिन वो जब बनाएगी, जब दिल्ली में आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन देश में खड़ा होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो देश के किसानों को नुकसान है। आज वो अपनी जमीन बेच कर गुजारा कर रहा, फसल बेच के उसको नुकसान है, वो कर्जा ले रहा है, कर्जा अभी जो बजट आया उसमें भी कर्जा बढ़ाने की बात करी, 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसान को देने का वो करा है, और इस वाले बजट में भी 1,80,000 करोड़ रुपए के करीब बढ़ाया कर्जा, वो जाएगा उसकी जमीन नीलाम होगी, देश में सुसाइड के केस बढ़ेंगे। ये लैंड बैंक बनाना चाहते हैं, बैंक जमीनों की नीलामी छोड़ने का, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही नीलामी छुटाने, और ये देश में प्रक्रिया शुरू होगी, इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। रीवा में कई किसान हैं जो रेलवे में धरने में बैठे हुए हैं, उनकी जमीन अधिग्रहण, बिल्कुल जमीन अधिग्रहण हो रही होगी, आंदोलन करना पड़ेगा, काम रोकने पड़ेंगे, एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, 25 साल कुर्बानियों का है, इसमें मजबूती के साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2047 जो भारत सरकार ने कहा कि स्वर्ण काल चल रहा है, उसमें किसानों की 60% से ज़्यादा जमीन व्यापारी और सरकारों के पास में चले जाएगी अगर आंदोलन नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह रेलवे के नाम पर जमीन ले रहे,
और एक क्लोज और डाल दिया कि ये जमीन हमको किसान दान में दे रहे हैं, एक दान पत्र का एक पेपर हो रही है ले आए। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में रीवा में आपका आना? विधानसभा चुनाव तो हो रहे हैं, यहाँ चुनाव किसी की सरकार बन रही हो, जब बनी हुई सरकार को लूट लेते हैं तो ये तो बड़े डकैत आ गए देश में। बनी हुई सरकार लुटी आपके सामने, मध्य प्रदेश की, वहाँ की, महाराष्ट्र की लुटी, तो चुनाव का महत्व क्या रह गया? किसानों को क्या संदेश देना चाहते? किसान संदेश ये है कि जमीन बचानी है तो आंदोलन में आ जाओ, बड़े आंदोलन की देश में जरूरत पड़ेगी। वे आंदोलन कहाँ कहाँ होंगे वो आने वाला टाइम बताएगा। अभी दिल्ली में 20 मार्च में मीटिंग है और उसके बाद में पूरे देश भर में मीटिंग है और आंदोलन चलेंगे। पंजाब के अमृतसर में जो हुआ क्या वह सही था? तलवार वो तो बता दिया, अरे ये बीजेपी तो करवा रही सारे, और करवाएगी, यही तो करवाएगी सारे, यही तो करवाएगी, क्योंकि उसकी सरकार है, उसकी सरकार पे एलिगेशन हिंदू और सिख का लगाएंगे। देश में मुसलमान और उसका तो होगा, हिंदू सिख के दंगे भारत सरकार करवाएगी। क्या लगता है कौन नेता शामिल है इसके पीछे? भारत सरकार, इनकी एजेंसियां सब शामिल है।